बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। और आज हम लोग करने जा रहे हैं जी अपना 10th क्लास पाकिस्तान स्टडीज चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, पाकिस्तान रिलेशंस विद वर्ल्ड पावर्स, के पाकिस्तान का वर्ल्ड पावर के साथ क्या रिलेशन है। इसमें अमेरिका, US और इस तरह से हमारे पास काफी कंट्रीज आएंगे जो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक होगा, उसके बाद हमारा चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे जी रिलेशन विद वर्ल्ड पावर्स, और जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस करना है जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA को, कि पाकिस्तान का अमेरिका के साथ रिलेशन कैसा है और क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस बन चुकी हैं, कोई ऐसा एग्रीमेंट जो उन्होंने साइन किया हो या किसने कभी विजिट किया हो, तो ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जी आप सबसे रिक्वेस्ट होती है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। पाकिस्तान रिलेशन विद वर्ल्ड पावर्स। पाकिस्तान हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स बाय वर्चू ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, के पाकिस्तान की मुख्तलिफ लोगों के साथ इसीलिए बनती है कि पाकिस्तान की जो एक लोकेशन है वो बहुत खूबसूरत है ज्योग्राफिकली भी और पॉलिटिकली भी। देयरफॉर पाकिस्तान रोल इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स हैज ऑलवेज बीन एक्टिव। ओवर टाइम पाकिस्तान इंपॉर्टेंस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स हैज बीन इंक्रीज्ड। पाकिस्तान रिलेशन विद द मेजर पावर्स आर डिस्क्राइब बिलो। ये जो 2-3 लाइन्स यहाँ पे लिखी हुई है, आपने जिस कंट्री का भी आपको वर्ल्ड पावर का रिलेशन पूछा जाएगा उसमें आप लाजमी एज एन इंट्रोडक्शन की हेडिंग से मैंशन करेंगे। अब डिस्कस करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या रिलेशन है इसके साथ पाकिस्तान के। द बेसिस ऑफ पाकिस्तान यूएस रिलेशन इज नेशनल सिक्योरिटी, क्या उसकी बेस क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। द मेन बेसिस क्या है अच्छे रिलेशन की, नेशनल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। पाक यूएस रिलेशंस बिगन एट अ टाइम व्हेन द यूएस प्रेसिडेंट तुर्मान इन्वाइटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर लियाकत अली खान टू विजिट द यूनाइटेड स्टेट्स। The invitation was accepted by Liaquat Ali Khan. In his speeches during the United States visits in 1950, Liaquat Ali Khan stated that the objective of the establishment of Pakistan as well as the development needs of Pakistan. His tour of America was successful. The United States provided the military and economic assistance to Pakistan which helped in the construction and development of Pakistan. Ab humne ek point isme discuss kiya aur isme aapke paas 3 main cheeze discuss hui hain ki acche relation ki basis kya hai, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने इनवाइट किया था और वो सक्सेसफुल विजिट हुआ था, और कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट में पाकिस्तान की हेल्प किस तरह से की है उन्होंने बाय द मिलिट्री एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस। तो अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इन पॉइंट्स को स्प्लिट अप करेंगे ताकि आप लोगों के पास ज़्यादा अच्छी हेडिंग बन जाए और आप लोगों के पास लॉन्ग आंसर की लेंथ मेंटेन हो जाए। सबसे पहले आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है जिसमें आपने हेडिंग देनी है बेसिस ऑफ पाकिस्तान US रिलेशंस। क्या आ जाएगी जी, बेसिस ऑफ पाकिस्तान US रिलेशंस, ये आपके पास पहली हेडिंग आएगी। उसके बाद आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है उसमें, और यहाँ तक आपने लिखना है सक्सेसफुल विजिट ऑफ अमेरिका ऑफ मिस्टर लियाकत अली खान। यहाँ पे आप लिखेंगे सक्सेसफुल विजिट ऑफ अमेरिका बाय लियाकत अली खान, सक्सेसफुल विजिट ऑफ अमेरिका बाय लियाकत अली खान। नेक्स्ट यहाँ से आपने फिर एक तीसरा पॉइंट मेंशन करेंगे, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे मिलिट्री एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस। ये आपके पास हेडिंग आएगी मिलिट्री एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस, और इसमें आपने यहाँ तक कंप्लीट मेंशन करना होगा। पहली हेडिंग बेसिस ऑफ पाकिस्तान US रिलेशंस सक्सेसफुल विजिट टू अमेरिका बाय मिस्टर लियाकत अली खान, एंड थर्ड हेडिंग आ जाएगी जी मिलिट्री एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस। आगे चलते हैं जी सेकंड पॉइंट को देखते हैं। इन 1954 पाकिस्तान ज्वाइंट द डिफेंस एग्रीमेंट सीटो। सीटो क्या जी, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स एलिस। 1955 पाकिस्तान बिकेम अ मेंबर ऑफ बगदाद पैक working under the US umbrella. This agreement was later called CENTO, Central Treaty Organization. इसमें आपके पास जो हेडिंग आएगी वो हमारे पास आ जाएगी दी सीटो एग्रीमेंट। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है एग्रीमेंट सीटो, तो आपने हेडिंग देनी है सीटो एग्रीमेंट, उसमें आपने ये कंप्लीट पैराग्राफ मेंशन करना होगा। After these agreements, US started immediate military and economic aid to Pakistan. This aid helped Pakistan to boost its defense capabilities. तो ये military और economic aid से क्या हुआ, defense capabilities तो बहुत ज़्यादा boost up होगी। US stopped providing aid to Pakistan during the 1965 Pakistan and India war. और जब पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी aid मिले, और तब उन्होंने क्या कर दिया जी, अपनी aid रोक दी 1965 की जंग में।
इन दिस डिफिकल्ट टाइम, अब इस डिफिकल्ट टाइम में किसने मदद की जी? चाइना, ईरान एंड सऊदी अरेबिया हेल्प पाकिस्तान। पाकिस्तान रिलेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स फिर कब इम्प्रूव हुए? 1968 में, जो कि 1970 तक इम्प्रूवमेंट आती रही, उसके बाद जरा सा स्टॉप लग गया। इसमें आपने हेडिंग देनी है जी डिफेंस कैपेबिलिटीज की। यहाँ पे आपके पास इस पॉइंट पर हेडिंग आएगी डिफेंस कैपेबिलिटीज। यहाँ तक आप लिखेंगे, यहाँ तक आपने लिखना स्टार्ट करना है इसमें, इस हेडिंग के अंदर डिफेंस कैपेबिलिटीज। उसके बाद आपने यहाँ से लिखना है हेल्प इन द आर ऑफ नीड, हेल्प इन एन आर ऑफ नीड, जो कि मैं आपके सामने स्क्रीन पे भी मेंशन कर देती हूँ, जो आपके इस पॉइंट पे सेकंड हेडिंग आएगी हेल्प इन द आर ऑफ नीड। हेल्प इन द आर ऑफ नीड के जब हमें मदद की जरूरत थी तब उन्होंने मदद रोक दी थी, और उस टाइम अमेरिका के बजाय पर किसने मदद की? चाइना, ईरान और सऊदी अरेबिया। ये आपके पास जितना हाईलाइटेड टेक्स्ट होता है ये आपके पास एज एन एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। व्हेन इंडिया इन्वेडेड पाकिस्तान इन 1971, अब 1965 की जंग हो गई, अब 1971 की बात हो रही है। यूनाइटेड स्टेट्स डिस्टेंस्ड इटसेल्फ फ्रॉम पाकिस्तान, ऑन द अदर हैंड रशिया साइडेड विद इंडिया। अब से पूछा जा सकता है 1971 की जंग में इंडिया का साथ किसने दिया था? रशिया, जिसे हम क्या कहते हैं रूस। व्हेन रशिया इन्वेडेड अफगानिस्तान मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज केम टू पाकिस्तान, ऑन दिस ओकेजन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वेस्टर्न पावर्स जॉइंट हैंड्स विद पाकिस्तान टू हेल्प अफगान पीपल। एज अ रिजल्ट रशिया हैड टू विदड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान आफ्टर अ टायरसम वॉर, कि रशिया को निकलना ही पड़ा था अफगानिस्तान से। तो उसमें आपने हेडिंग देनी है जी वॉर ऑफ 1971। पहला पॉइंट पे आप हेडिंग देंगे जी वॉर ऑफ 1971। यहाँ तक इसमें आपके पास हेडिंग आएगी वॉर ऑफ 1971। नेक्स्ट आपने इस पॉइंट पे हेडिंग देनी है रशिया इन्वेडेड अफगानिस्तान। इस पॉइंट पे आप क्या हेडिंग दोगे? रशिया इन्वेडेड अफगानिस्तान, और उसमें आपने ये कंप्लीट पॉइंट को मेंशन करना होगा। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिका इन्वेडेड अफगानिस्तान आफ्टर द सितंबर 2001, 9/11, जिसे हम कहते हैं टेररिस्ट अटैक इन द न्यूयॉर्क। इन दिस वॉर पाकिस्तान साइडेड विद यूनाइटेड स्टेट, इसमें पाकिस्तान ने क्या किया जी? यूनाइटेड स्टेट का साथ दिया। ओवर टाइम पाकिस्तान यूएस रिलेशंस इंप्रूव, और इस वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान के जो रिलेशंस थे अमेरिका के साथ, यूएस के साथ, वो इम्प्रूव हो गए थे। इसमें आपने हेडिंग देनी है जी 9/11 टेररिस्ट अटैक, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ 9/11 टेररिस्ट अटैक। ये आपके पास हेडिंग आ जाएगी 9/11 टेररिस्ट अटैक। ये आपके पास आ गई जी हेडिंग इस पॉइंट की, और ये था हमारे पास आज का एक बिल्कुल छोटा सा लेक्चर, जिसमें हमने पहले वर्ल्ड पावर डिस्कस की, उसका पाकिस्तान के साथ रिलेशन डिस्कस किया, यूएस यानी कि अमेरिका। सबसे पहले ये तो आपके पास पैराग्राफ आ गया था इंट्रोडक्शन का, उसके बाद आप हेडिंग देंगे जी सबसे पहले बेसिस ऑफ पाकिस्तान यूएस रिलेशन, बेसिस ऑफ पाकिस्तान यूएस रिलेशन आपके पास हेडिंग आएगी, जिसमें आपने ये कंप्लीट पॉइंट यहाँ से यहाँ तक मेंशन करना है। फिर आपके पास आएगा जी हेडिंग सक्सेसफुल विजिट टू अमेरिका बाय लियाकत अली खान, उसमें यहाँ से यहाँ तक है। थर्ड आपके पास हेडिंग होगी जी मिलिट्री एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस, उसमें आपके पास यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। फोर्थ हेडिंग आएगी जी सीटो एग्रीमेंट, उसमें आपके पास ये कंप्लीट पॉइंट आएगा। आपके पास फिफ्थ हेडिंग होगी जी डिफेंस कैपेबिलिटीज, डिफेंस कैपेबिलिटीज। सिक्स आपके पास हेडिंग होगी जी हेल्प इन द आर ऑफ नीड। आपके पास सेवन्थ हेडिंग होगी वॉर ऑफ 1971। एट्थ हेडिंग आपके पास आएगी जी रशिया इन्वेडेड अफगानिस्तान। नेक्स्ट आपके पास नाइन्थ हेडिंग होगी 9/11 का टेररिस्ट अटैक, 9/11 टेररिस्ट अटैक, और उसी के साथ जो है वो आप लोगों का ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल उन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स लिखे हुए थे, और उसको हम लोगों ने 9 पॉइंट्स में कन्वर्ट किया, और एक 10th अगर हम इंट्रोडक्शन का ये पॉइंट डालेंगे तो आपके पास टोटल 10 पॉइंट्स बन जाते हैं। ये था जी आज का लेक्चर, मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में पाकिस्तान और रशिया का जो रिलेशन है वो डिस्कस करेंगे। रशिया भी एक बहुत बड़ी वर्ल्ड पावर है, क्या रिलेशन है उसका इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और जाते हुए लास्ट में मेरी आप सबसे पे की रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सपोर्ट की जो है चैनल को बहुत ज्यादा जरूरत है, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।